नमस्कार, मैं डॉक्टर जेके और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ अवेयरनेस विद जेके। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे मुंह में छाले क्यों पड़ते हैं तथा उसका होम्योपैथी इलाज क्या है। जनरली मुंह में छाले सबके पड़ते हैं, लेकिन यदि यही छाले बार बार पड़ने लगे और ठीक होने में टाइम ले तो चिंता की बात है। अब देखिए, मुँह में छाले क्या होता है, जनरली गाल में पड़ते हैं, होंठ में पड़ते हैं तथा जीभ में पड़ते हैं। ये छाले जो हैं सफ़ेद, लाल या पीले भूरे रंग के भी हो सकते हैं तथा फूले हुए हो सकते हैं। इन छालों से बहुत तकलीफ होती है। कभी कभी क्या होता है कि छालों से खून भी आने लगता है, छालों में जलन होती है तथा दर्द होता है, जिससे क्या होता है कि आदमी बेचैन सा थका हुआ महसूस करता है तथा उसको खाने पीने में बहुत तकलीफ होती है। ये छाले मुख्य रूप से क्यों पड़ते हैं, इनका कारण क्या है? तो ज़्यादातर मात्रा में क्या होता है कि आदमी तला भुना हुआ मसालेदार चीज़ें जब खाता है तो छाले पड़ने के चांस बढ़ जाते हैं। ज़्यादा मात्रा में अम्लीय पदार्थ खाने से भी छाले पड़ने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। दांतों के नियमित और उचित तरीके से सफाई नहीं करते हैं तब भी छाले पड़ने के चांस रहते हैं। गाल यदि भीतर से बार बार कटने लगे, इसके संक्रमण को फैलने की आशंका रहती है। यदि हमारे गाल किसी कारणवश या दांत की वजह से, दांत की हमारी सेटिंग सही नहीं है, दांत आड़े तिरछे हैं, उनसे भी बार बार कटने के कारण छाले पड़ जाते हैं। जिस चीज़ को खाने से एलर्जी है, उसको भी यदि हम खाएंगे, उसका उपयोग करेंगे तो हमारे मुँह में छाले पड़ने की संभावना बहुत होती है। जब हमारे शरीर में विटामिन्स और आयरन की मात्रा सामान्य से कम हो जाती है तब भी छाले पड़ने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और सबसे बड़ा कारण है छाले पड़ने का कि पेट में कब्ज रहना, पेट साफ ना होना, ये भी एक मुख्य कारण है। तो इतने कारण हैं छाले पड़ने के। अब इनसे बचने के उपाय क्या हैं कि हमें तली भुनी चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी का उपयोग करना चाहिए, हमें सलाद का सेवन, कच्चे फल का सेवन ज़्यादा करना चाहिए और सरल सुपाच्य भोजन, जल्दी सो जाना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करना चाहिए तो छालों से बहुत हद तक बचा जा सकता है। छालों की सबसे महत्वपूर्ण तीन होम्योपैथिक मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ। यदि छाले हैं आपके, बार बार पड़ रहे हैं, नहीं ठीक हो रहे हैं, तो इन दवाइयों का सेवन करेंगे तो निश्चित ही आप छालों से मुक्त हो जाएंगे और बार बार पड़ने की छालों की जो ये प्रक्रिया है वो बंद हो जाएगी। सबसे पहली दवाई मर्कसोल, होम्योपैथी दवाई मर्कसोल 30 पोटेंसी में आप लीजिए और दिन में 3 बार उसका उपयोग, 3 से 4 बूंद आधे कप पानी के साथ उपयोग करिए। मर्कसोल के छाले कैसे होते हैं कि वो लाल रहते हैं, उनमें जलन होती है, दर्द होता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण दवाई है बोरेक्स, 30 पोटेंसी, उसको भी 3 से 4 बूंद आधे कप पानी के साथ मिला के दिन में 3 से 4 बार लीजिए। जनरली 3 बार ली जाती है, आप 4 बार भी ले सकते हैं, वो ज़रूरत के ऊपर रहता है, तो 3 से 4 बार ले सकते हैं। यानी मर्कसोल 30 और बोरेक्स 30, 3 बूंद आधे कप पानी में सुबह, दोपहर, शाम। इतना ध्यान रखना है कि आपको दवाई लेने से आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद कुछ नहीं खाना है, मुंह को साफ कर लेना है, साफ करके तब फिर सेवन करना है। नक्स भूमिका होम्योपैथी दवाई है तीसरी, उसको रात में सोते समय 30 पोटेंसी में बेड टाइम में साफ मुंह करके कुल्ला करके आपको ले लेना है। उससे क्या होगा कि जिनकी लाइफ स्टाइल बैठारू है, बैठे बैठे ड्यूटी करना रहता है, ज़्यादातर उनकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, उनके पेट में कब्ज बन जाता है, उनके लिए नक्स भूमिका बहुत अच्छी दवाई है। फिर एक आती है कैलेंडुला मदर टिंचर, यानी कैलेंडुला क्यू आप ले लीजिए और उसको आधे कप पानी में 10 बूंद डाल के उसको मुंह में लीजिए और
2 से 3 मिनट 5 मिनट तक उसको मुंह में ले सक लिए रह सकते हैं। कुल्ला करके उसको थूक दीजिए। यदि वो पानी अंदर भी चला जाएगा तो वो नुकसान नहीं करेगी। ये बहुत बढ़िया एंटीसेप्टिक का काम करती है, जिससे आपके छालों के घाव जो हैं वो जल्दी ठीक हो जाएंगे और आपका छाला ठीक हो जाएगा। यदि ये दवाइयाँ 3 महीने लगातार सेवन कर लिए तो बार बार छाला पड़ने की जो रिकरेंसी है बॉडी की वो बंद हो जाएगी और बार बार छाले पड़ रहे हैं जो वो बंद हो जाएंगे, आपके छाले ठीक हो जाएंगे। अतः यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ही वीडियो का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले सकें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।